हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन की ओर से नमस्कार। आज हम पालक के पराठे बनाने की विधि बताएंगे। इसमें हमने 500 ग्राम आटा काम लिया है, जिसको अच्छी तरह से छलनी से छान लिया है। और इसमें जो हमने आवश्यक सामग्री काम मिलेंगे वो इसमें इस प्रकार से हैं। थोड़ा अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच, हल्दी स्पून 1/2 स्पून, हींग टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक 2 हरी मिर्च जिसको छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है, 250 ग्राम पालक जिसको हमने छोटे टुकड़ों में बारीक कर दिया है। अभी देखिए दोस्तों, हम इसको गैस पे बना के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इस हमें आटे और पालक को अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे इनको दोनों को मेटेरियल को मिक्स करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अदरक का पेस्ट, हल्दी, हींग ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसको अभी सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आटे हुए पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें शुद्ध देसी घी काम में लेंगे। इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, बड़े चम्मच काम में लेंगे, और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। आटे और पालक को थोड़ा टाइट रखेंगे। देखिए दोस्तों, पालक को आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा घी लगा दिया गया इसको, और इसको 5-7 के लिए हम एक बंद बर्तन में रख देंगे, थोड़ा और भी अच्छा तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों, बर्तन को हटाकर देखते हैं, अच्छा तैयार हुआ है। आटा और पालक का मिश्रण अच्छा तैयार हुआ है। अब इसको हम एक एक पेड़ी बना के हम पराठा बनाएंगे। हम और गैस को ऑन कर दिया है, इस पर हम पैन को रखेंगे। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी पेड़ी बना लिए और अंगुली से अच्छे दबा के देखिए, बिल्कुल ही अच्छा तैयार हुआ है आटा। देखिए दोस्तों, अच्छे से इसको बेल लिया है और थोड़ा लंबी साइज का कर लिया है। इसको हम अभी चूल्हे पर रख के बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी इसको तवे के ऊपर रख दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसको गर्म करेंगे और एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड चेंज करेंगे। आप भी अपने किचन में हमने बच्चों को बनाकर खिलाएं, बहुत ही झटपट बनने वाले आटा व पालक के पराठे हैं, बहुत ही चेष्टदायक होते हैं। वीडियो को लगातार बनाए रखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर आपको नोटिस भी मिलता रहे हमारा। देखो दोस्तों, अब ये पक्का तैयार तैयार हो चुका है, इसको अलग प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 कूट का पराठा बनाया है। इसको तीनों साइज एक सी होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। इस तरह आप भी अपने किचन में अलग अलग तरह के पराठे बनाकर खाएं। देखिए दोस्तों, एक साइड से पक गया, दूसरी साइड करवट चेंज करेंगे इसकी और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। देखिए दोस्तों, पराठा वो भोली मुलायम सॉफ्ट बना है।
देखे दोस्तों, अब इसको चार कूट का बनाकर दिखाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनेगा, क्यों मटेरियल हमने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया है। सॉरी, गैस पे पकाएंगे, लगाएंगे इस पे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। ये चोकोर वाला परांठा है, बहुत ही अच्छा पका है। ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा घी भी लगाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा।